हेलो स्टूडेंट, तो जैसे कि आज हम आप लोगों को 5.5 से पहले जो एग्जांपल है उसको सिखा रहे थे। एक वीडियो तो हम आपको बता दिए थे। आज हम आपको एक 33 नंबर का एग्जांपल बताएंगे। ये जो 33 नंबर का एग्जाम्पल है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और VVI है, साथ साथ थोड़ा सा लॉन्ग है। ये आपको 5 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि वाई पर पावर एक्स प्लस एक्स पर पावर वाई प्लस एक्स पर पावर एक्स इक्वल टू ए पर पावर बी। कैसे दिया है? y पर पावर x प्लस x पर पावर y प्लस x पर पावर x इक्वल टू a पर पावर b। और हमारा सवाल कहता है कि आप dy बाय dx को निकालिए। हमारा क्वेश्चन कहता है कि आप इसका dy बाय dx को निकालिए। लेट मान लेते हैं कि u बराबर y पर पावर x, v बराबर एक्स पर पावर वाई एंड डब्लू बराबर एक्स पर पावर एक्स। हम इसका नाम रख दिए यू, इसका नाम रख दिए भी, इसका नाम रख दिए डब्लू। चूंकि यू प्लस भी प्लस डब्लू इक्वल टू ए पर पावर बी, यू प्लस भी प्लस डब्लू इक्वल टू ए पर पावर बी। टेकिंग डी सी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हम एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डीसी कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। यू का डीसी डीयू बाय डीएक्स प्लस वी का डीसी डीवी बाय डीएक्स प्लस डब्ल्यू का डीसी डीडब्ल्यू बटा डीएक्स और कॉन्स्टेंट का डीसी 0। U का DC DU by DX plus V का DC DV by DX plus W का DC DW बटा DX और कॉन्स्टेंट का DC 0। इसे मान लीजिए फर्स्ट। नाउ अब U बराबर जो हम लोग माने हैं Y पर पावर X, U बराबर Y पर पावर X हम लोग माने हैं। वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो तो सबसे पहले आपको लॉग लगाना होगा। तो लॉग यू बराबर, लॉग जब लगाएंगे तो लॉग पावर को आगे कर देता है, तो एक्स लॉग वाई। लॉग जब लगाइएगा तो लॉग पावर को आगे कर देता है, तो एक्स लॉग वाई। टेकिंग डी सी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हम एक्स के रेस्पेक्ट में इनका डीसी करते हैं। तो लॉग यू का डीसी 1 बाय यू, यू का डीसी डीयू बाय डीएक्स बराबर यू भी का होल डेरिवेटिव, यू भी का होल डेरिवेटिव। यू को आगे भी का डीसी लॉग वाई का डीसी 1 बाय वाई, वाई का डीसी डीवाई बाय डीएक्स प्लस भी को आगे लॉग वाई को आगे यू का डी सी एक्स का डी सी वन। डी यू बाय डी एक्स बराबर ये भागा यू उधर गुना कर दीजिए, तो यू इंटू एक्स बाय वाई, ये हो गया वाई वन। वाई वन का मतलब हुआ 1 बार डी सी प्लस ये हो गया लॉग वाई। डी यू बाय डी एक्स बराबर ये जो भागा यू है उधर गुना कर लिए, तो यू इंटू एक्स बटे वाई इंटू इसके जगह पर वाई वन प्लस लॉग वाई, क्योंकि वाई वन मतलब 1 बार डी सी। यू तो यू के जगह पर वाई पर पावर एक्स इंटू एक्स बाय वाई वाई वन प्लस लॉग वाई। इसे जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा वाई पर पावर एक्स को इनमें और इसमें जब मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये दोनों में भागा का संबंध है, तो भागा में पावर घट जाता है। तो एक्स का एक्स लिख दिए, वाई पर पावर एक्स -1 भागा पावर घटा दिए इंटू वाई वन प्लस, इसको जब इसमें गुणा करेंगे तो वाई पर पावर एक्स लॉग वाई, ये निकल गया डी यू बाय डी एक्स। फिर देखिए अगेन माना पुनः भी बराबर एक्स पावर वाई, भी बराबर एक्स पावर वाई।
वेरिएबल पावर वेरिएबल लॉग लगा दीजिए तो लॉग भी बराबर लॉग पावर को आगे कर लेता है तो वाई लॉग एक्स। डीसी करिए लॉग भी का डीसी वन बाई भी और भी का डीसी डी भी बाई डी एक्स बराबर यू भी का होल डेरिवेटिव यू को आगे भी का डीसी लॉग एक्स का डीसी वन बाई एक्स प्लस भी को आगे यू का डीसी वाई का डीसी डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई वन। डी भी बाई डी एक्स बराबर ये भागा भी उधर गुना कर लीजिए तो भी इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू वाई वन भी तो भी के जगह पर एक्स पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू वाई वन। ये दोनों में भागा का संबंध है तो भागा में पावर घट जाता है तो एक्स पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस इसको जब इसमें गुणा करिएगा तो एक्स पावर वाई इंटू लॉग एक्स इंटू वाई वन ये निकल गया डी वी बटा डी एक्स। एंड लास्ट में है डब्लू बराबर एक्स पावर एक्स तो डब्लू बराबर एक्स पावर एक्स। वेरिएबल पावर वेरिएबल पहले लॉग लगा दीजिए तो लॉग w बराबर लॉग जब लगाइएगा तो पावर को आगे कर लीजिए x लॉग x। dc करिएगा तो लॉग w का dc 1 बाय w w का dc dw बटा dx इक्वल टू u भी का होल u भी का होल u को आगे v का dc लॉग x का dc 1 बाय x प्लस भी को आगे यू का डी सी एक्स का डी सी वन। यहाँ पर डी डब्ल्यू बटे डी एक्स बराबर ई भागा डब्ल्यू उधर गुना कर दीजिए तो डब्ल्यू इंटू वन प्लस लॉग एक्स डब्ल्यू तो डब्ल्यू के जगह पर एक्स पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स ये हो गया डब्ल्यू। तो हम लोग क्या किए पहले यू का डी यू बाई डी एक्स अलग से निकाल लिए भी का डी वी बटा डी एक्स अलग से निकाल लिए और डब्ल्यू का डी डब्ल्यू बटा डी एक्स अलग से निकाल लिए यानी तीनों का अलग अलग डी सी कर लिए। फ्रॉम फर्स्ट पहला इक्वेशन में डी यू बाई डी एक्स तो डी यू बाई डी एक्स के जगह पर जो मान है यह वाला मान हम वहाँ पर बैठा दिए प्लस डी वी बाई डी एक्स तो डी वी बाई डी एक्स के जगह पर जो मान है ये वाला मान यहाँ पर बैठा दिए अब प्लस डी डब्ल्यू बटर डी एक्स तो डी डब्ल्यू बटर डी एक्स के जगह पर जो वैल्यू है उसे हम बैठा दीजिए। इसे आप बढ़िया से देख लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर वाई वन है यहाँ पर वाई वन है ये दोनों जगह से हम वाई वन कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई पर पावर एक्स माइनस वन और प्लस एक्स पावर वाई लॉग एक्स ये हो गया और इनको इनको और इनको इस साइड कर लीजिए तो प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस हम सब का एक जगह कॉमन ले लिए तो ये प्लस उधर करिएगा तो माइनस लेकिन माइनस हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पर लिख दिए हैं। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस लेकिन माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर लिख दिए हैं। ये प्लस जाएगा उधर माइनस होगा लेकिन माइनस कॉमन लिए इतना हो गया। वाई वन बराबर ये जो गुना है उधर गया भागा यानी बटा हो गया। तो ये बहुत ही आसान सवाल है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत ही वीआई क्वेश्चन है तो आप इसे बढ़िया से समझिए खूब सुंदर से समझिए और ये सवाल आप इतना जल्दी नहीं समझ सकिएगा इसे पहले 3-4 बार पहले वीडियो को देखना होगा बढ़िया से क्योंकि गणित है गणित में आप वीडियो को बार बार देखिएगा तब जाके वो समझ में आएगा ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम आपको एक्सरसाइज 5.4 का ये कहिए कि 5.5 का हम आपको टोटल एग्जांपल सिखा दिए हैं। आपको सवाल बनाना है क्वेश्चन में जो दिक्कत होगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हम आपको निश्चित सॉल्यूशन करेंगे। आज हम आप लोगों को एक नया चीज़ सिखाने जा रहे हैं उसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म इसके बारे में नया चीज हम सिखाने जा रहे हैं। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। देखिए सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि आखिर पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है। पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है सबसे पहले आपको इस बात को ध्यानपूर्वक समझना होगा।
हम आपको आज नया चीज सिखाने जा रहे हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, यानी पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आप ये सीखिए कि आखिर पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है। देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। पहले से सीखिए, कहता है कि ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म का होता है एक्स इक्वल टू एफ टी वाई इक्वल टू जी टी, एक्स इक्वल टू एफ टी वाई इक्वल टू जी टी इज कॉल्ड, कहा जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म, उसे पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म को हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं, वेयर जहां पर टी इज कॉल्ड, टी कहा जाता है पैरामीटर, जहां पर टी को पैरामीटर कहा जाता है। तो हम लोग जो आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो सबसे पहली बात कि आखिर पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है। कहता है पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, तो ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई ऑफ द फॉर्म, जब दो वेरिएबल एक्स और वाई के बीच ऐसा संबंध जो इस तरह से व्यक्त किया गया हो कि एक्स बराबर एफ टी वाई इक्वल टू जी टी, एक्स और वाई के बीच ऐसा रिलेशन जो इस फॉर्म में व्यक्त किया गया हो एक्स बराबर एफ टी और वाई इक्वल टू जी टी इज कॉल्ड, कहा जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म, इस फॉर्म को पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। जब एक्स और वाई के बीच ऐसा रिलेशन जो एक तीसरा वेरिएबल में व्यक्त होता है, तो हम इस प्रकार के रिलेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। पहले हम लोग जो डेरिवेटिव करते थे उसमें दो वेरिएबल होता था एक्स और वाई, अब जो हम लोग जो डेरिवेटिव करेंगे यह एक तीसरा वेरिएबल भी रहेगा, यहाँ पर एक्स और वाई दो वेरिएबल तो होगा ही, वह एक तीसरा वेरिएबल टी में या थीटा में या मान के चलिए फाई में इतनी इत्यादि में व्यक्त रहेगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म आप कैसे पहचानिएगा, आपके पास जो सवाल आएगा उसको कैसे जानिएगा कि यह पैरामेट्रिक फॉर्म में है कि नहीं है। तो कहता है कि ए रिलेशनशिप यानी ऐसा संबंध बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल एक्स एंड वाई यानी एक्स और वाई के बीच ऐसा संबंध ऑफ द फॉर्म जो इस रूप का हो एक्स बराबर एफ टी वाई बराबर जी टी इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म, इस फॉर्म को पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। जहां पर टी इज कॉल्ड पैरामीटर, जहां पर टी को पैरामीटर कहते हैं। जैसे हम आपको कुछ सवाल बताते हैं, जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक सवाल आ गया एक्स बराबर ए टी स्क्वायर वाई बराबर टू ए टी, ये जो इक्वेशन है यह पैरामेट्रिक फॉर्म में है, एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टू ए टी, इस फॉर्म को पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। दूसरा नंबर, जैसे एक्स बराबर ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ये जो फॉर्म है यह पैरामेट्रिक फॉर्म में व्यक्त किया गया है। जैसे एक तीसरा नंबर में आप देख सकते हैं कि एक्स बराबर मान के चलिए एक्स बराबर दे देता है आपको ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा इटीसी इत्यादि। तो सीधी सी बात आप जो पहचानिएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में है कि नहीं है,
तो देखिएगा कि अगर एक्स और वाई आपको एक तीसरा वेरिएबल में व्यक्त हो तो हम उस फॉर्म को पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म आपको पता चल जाएगा। देखिए अब मुद्दा ये है कि सर इस तरह के सवाल को हम कैसे डेरिवेटिव करेंगे। हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म का सवाल आ जाए तो हम सबसे पहले उसको dy by dx यानी डेरिवेटिव कैसे करेंगे। यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, इसका नाम है कि मेथड टू फाइंड dy by dx ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। यानी अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दिया गया हो तो हमें इसका dy by dx कैसे निकालेंगे। तो चलो भाई मान लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वह इस तरह से है कि देन x बराबर एफ टी फर्स्ट इक्वेशन और y इक्वल टू जी टी या सेकेंड इक्वेशन। मान लीजिए कि हमारे पास जो सवाल आया हुआ है वह इस तरह से है कि x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी और हमारा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। हमारा क्वेश्चन कहता है फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। हमारे पास मान के लिए क्वेश्चन है कि x बराबर एफ टी और y बराबर जी टी और हमारा क्वेश्चन कहता है कि आप डी वाई बाय डी एक्स को निकालिए कि डी वाई बाय डी एक्स कैसे निकाले। तो यहाँ पर एक बात नोटिस करिए कि यहाँ पर x और y जो दो वेरिएबल है वह एक तीसरा वेरिएबल t में व्यक्त है। क्या है यहाँ पर x और y जो दो वेरिएबल है वह एक तीसरा वेरिएबल t में व्यक्त है। तो आप सबसे पहले दोनों समीकरण को t के रेस्पेक्ट में dc करिए। सबसे पहले तो है देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं कि टेकिंग dc ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू t वी गेट। हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि हम पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों को t के रेस्पेक्ट में सबसे पहले dc कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर x और y जो दोनों समीकरण है वह t के फॉर्म में है यानी t वेरिएबल में व्यक्त है। तो सबसे पहला काम है दोनों को t के रेस्पेक्ट में dc करना। जैसे x का dc अगर हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx by dt f t का dc डेरिवेटिव ऑफ f t एंड उसके बाद y का dc t के रेस्पेक्ट में तो dy by dt और gt का dc डेरिवेटिव ऑफ gt। कैसे करना है x का dc t के रेस्पेक्ट में तो dx by dt और f t का dc डेरिवेटिव ऑफ f t, y का dc t के रेस्पेक्ट में dy by dt और g t का dc डेरिवेटिव ऑफ gt। तो सबसे पहले अपना लोग दोनों को dc कर लिए t के रेस्पेक्ट में। देखिए हमारा ये कहना है कि हम dy by dx को ऐसे लिख सकते हैं dy by dt बट dx by dt। हम dy by dx को ऐसे लिख सकते हैं dy by dx को हम ऐसे लिख सकते हैं तो dy by dt, तो dy by dt के जगह पर आप लिख दीजिए डेरिवेटिव ऑफ gt by dx by dt के जगह पर लिख दीजिए डेरिवेटिव ऑफ ft। यही आपका आंसर हो गया। तो यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में जब भी सवाल रहेगा तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले दोनों को t के रेस्पेक्ट में या थीटा के रेस्पेक्ट में या जिस वेरिएबल में व्यक्त हो उसके रेस्पेक्ट में dc कर लेना है और बाद में dy by dx बराबर इस तरह लिख के आप इसे डेरिवेटिव कर सकते हैं। देखिए इस पर हम आपको एक सवाल बताते हैं, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा पैरामेट्रिक फॉर्म से क्वेश्चन निश्चित आता है, खूब सुंदर आता है, बढ़िया से क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आपको इसे बढ़िया मजबूत करना होगा। देखिए क्वेश्चन है इस तरह से कि हमारा जो 34 नंबर का क्वेश्चन है
कि इफ यदि हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक्स बराबर ये हो गया ए कॉस थीटा और वाई बराबर ये हो गया ए साइन थीटा और हमारा सवाल कहता है कि फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, हमारा क्वेश्चन कहता है कि आप डी वाई बाय डी एक्स को निकालें। ये एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में आता है, हमें x का मान दिया है, y का मान दिया है और हमें dy by dx निकालना। सबसे पहले x और y दोनों को आपको थीटा के रिस्पेक्ट में dc करना होगा। यहाँ पर x और y दोनों को सबसे पहले थीटा के रिस्पेक्ट में dc करना होगा। है देखिए यहाँ पर taking dc, यहाँ पर taking dc of first and second with respect to theta we get, हम सबसे पहले दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में dc करते हैं। x का dc dx by d theta, a का a cos theta का dc minus sin theta यानी minus a sin theta, x का dc theta के रिस्पेक्ट में dx by d theta, a का a cos theta का dc minus sin theta, ये हो गया minus a sin theta। एंड उसके बाद y का dc theta के रिस्पेक्ट में तो dy by d theta, ये हो गया a का a sin theta का dc हो गया cos theta, यानी ये हो गया a cos theta। Now, अब यहाँ पर dy by dx बराबर इस चीज को हम dy by d theta by dx by d theta ऐसे लिख सकते हैं। dy by d theta के जगह पर लिख दीजिए a cos theta और dx by d theta के जगह पर minus a sin theta, यह कैंसिल यानी minus cot theta, ये हो गया आंसर। तो पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत ही मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चन होता है। जैसे हम आपको और एक सवाल बताते हैं, नंबर 35 का क्वेश्चन देख लीजिएगा। 35 हमारा प्रयास रहेगा कि आपका पढ़ाई बढ़िया से बढ़िया हो इस कोरोना यानी COVID-19 के महामारी के दौरान। हम को ये याद रहेगा अपना लोग को कि अपना लोग के जमाना में भी ऐसा हुआ था। देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है x बराबर at का स्क्वायर एंड y बराबर दिया है 280। बहुत ही मोस्ट वीआई है, x बराबर at स्क्वायर y बराबर 280। हमारा सवाल कहता है कि dy by dx को निकालिए, क्या निकालिए dy by dx। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड dy by dx। नोटिस करिए कि यहाँ पर आपका जो x है और y है वह दोनों t का फंक्शन है। यहाँ पर x और y जो है वह दोनों t का फंक्शन है।